सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णा और आज हम देखने वाले स्मॉल फ्रेंड्स का आठवां फॉर्मूला जो है -1 = -5 + 4। ये स्मॉल फ्रेंड्स का एट्थ फार्मूला है, आठवां फार्मूला है और इसके साथ ये लास्ट है, आखिरी वाला फार्मूला है। इसके बाद स्मॉल फ्रेंड्स का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसके बाद मतलब हमें ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें एक से ज़्यादा स्मॉल फ्रेंड्स का इस्तेमाल हम करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स हमने पहले भी देखे हैं पर अभी इसके बाद में सेवन्थ लेसन में हमें कॉम्बिनेशन मिलेंगे स्मॉल फ्रेंड्स के। तो ये तो हमारा सिक्स लेसन है, तो हम है ना आज इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन जान लेंगे और फिंगर मेथड से ये कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ये दो रोज। और अगली वीडियो में हम इस फॉर्मूले के आधार पर और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे पर वो करेंगे एबेकस मेथड से। तो चलो आज हम देखते हैं इस फॉर्मूले को, क्या है हमारा फॉर्मूला -1 = -5 + 4। मतलब अगर हमें वन को माइनस करना हो पर हमारे पास एक उंगली नहीं हो, अगर यहाँ पर फिंगर मेथड है इसलिए मैं उंगली का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब एबेकस होगा तो वो आपको समझ लेना है कि वो बीड से, जब हमारे पास एक बीड नहीं हो, एक उंगली नहीं हो, सपोज लाइक यहाँ पर कुछ नहीं, मेरे पास अब फाइव है ऐसे फाइव और मुझे बोला है -1, अब -1 करना है पर यहाँ पर मेरे पास एक भी उंगली नहीं है -1 करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइव है, इसे अब नीचे नहीं कर सकती, ये डायरेक्ट -5 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, -1 करने को बोला है हमें पर यहाँ पर उंगली नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करना होगा कि -1 = -5 + 4, कि अगर हमें 1 माइनस करना है और हमारे पास एक उंगली नहीं है तो हम पहले 5 माइनस करेंगे और फिर 4 प्लस करेंगे। तो ऐसा ये फॉर्मूला काम आता है। तो हम पहले एग्जांपल से इसे समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया 5, ये लिया मैंने 5, फिर -1 कहा है, अब -1 करना है पर यहाँ पर मेरे पास उंगली नहीं है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूँगा कि -1 = -5 + 4। मैं बस इस फॉर्मूले की वैल्यू जो है वो एज्यूम करूँगा, ये -1 कहाँ है यहाँ पर, तो मैं जस्ट ये वैल्यू वहाँ पर पुट कर दूँगा। तो ये हो गए -5 और फिर +4, फिर है +5, सो ये हो गए 9, सो आवर आंसर इज 9। मतलब अगर हम 5 माइनस करें और फिर 4 प्लस करें, ये 5 है ये मैंने माइनस किए फिर 4 प्लस कर दिया मैंने, तो टोटल में मैंने सिर्फ एक ही माइनस किया ना, क्योंकि मैंने 5 माइनस करके 4 ऐड भी किए तो 5 - 4 तो 1 होगा, तो हमारे पास 1 ही बचेगा, तो यही है वो। तो हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर है 5 - 1, -1 के लिए फिर से फॉर्मूला -5 + 4, फिर उसके बाद है +3, +3 के लिए एक फॉर्मूला हमारा हुआ है कि जो है -2 + 5, सो आंसर इज 7। अगर आपको वो मतलब ये तो आठवां फार्मूला है, इसके पहले हमने 7 फार्मूले देख लिए हैं, अगर आपको वो देखने हो तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्मॉल फ्रेंड्स नाम की, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वो चेक कर सकते हो, आपके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा, सभी फार्मूले आप सीख लो क्योंकि आगे आपको एक काम आएगी। तो उसके बाद हमें दिया है 2, ये थर्ड एग्जाम्पल में 2, फिर +3 के लिए -2 + 5, फिर हमें दिया है -1 के लिए -5 + 4, सारा आंसर इज 4। उसके बाद हमें दिया है 1 +4 के लिए -1 + 5, ये भी हमारा एक फॉर्मूला हुआ था वो आप देख सकते हो, फिर -1 ये -5 + 4 किया ये फॉर्मूला यूज करके, सारा आंसर इज 4। उसके बाद हमें दिया है 3 +2 के लिए -3 + 5, फिर -1, यही सब हमें रिपीट होने को देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे -1 - -1 - 1 सभी और -1 है, तो -5 + 4, सो आवर आंसर इज 4। फिर हमें जाए 6, फिर -1, अब यहाँ पर मेरे पास एक उंगली है -1 करने के लिए तो मैं माइनस कर दूंगा, फिर उसके बाद फिर से हमें -1 बोला है तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला यूज करूँगा जो है -5 + 4, सो आवर आंसर इज 4। तो उसके बाद हमें दिया है 5 - 1, अब -1 के लिए -5 + 4, उसके बाद फिर से -1,
अब मेरे पास यह एक उंगली है तो ये मैं माइनस कर दूंगा। सर आंसर इज थ्री, थ्री इज द आंसर। उसके बाद हमें दिया टू प्लस थ्री, प्लस थ्री के लिए माइनस टू प्लस फाइव, फिर माइनस वन, माइनस फाइव प्लस फोर, सर आंसर इज फोर। आपको जैसे जैसे इसकी आदत होती जाएगी, आप जैसे जितने जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप सॉल्व करते जाओगे, तो ये सब ये फॉर्मूले जो है, आठ फॉर्मूले, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो जैसे ही एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, आपका हाथ ऐसा ऑटोमेटिक चलेगा कि नाइन दिया है यहाँ पर, फिर माइनस फोर, फिर माइनस वन। तो अभी मतलब आपको ऐसा याद करना पड़ता है ना कि माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस फोर। तो जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तब आपको एकदम प्रो बन जाओगे, आपको ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब चलो हम सेकंड रो देखते हैं। तो इसमें हमें दिया है 55, ये लिए मैंने 55, फिर माइनस वन, माइनस वन के लिए माइनस फाइव प्लस फोर, फिर माइनस 42। तो माइनस 42 के लिए यहाँ से माइनस 50 प्लस 10 और यहाँ से माइनस 2, सो आर आंसर इज 12। यहाँ लिख देता हूँ 12, फिर 8 प्लस 50, ये 50 ऐड किए मैंने, फिर माइनस 10, माइनस 10 के लिए माइनस 50 प्लस 40, यही वो सेम फॉर्मूला है। सो ये हो गया 48, यहाँ पर लिख देता हूँ 48। फिर है 75, ये लिए मैंने 75, फिर है माइनस 11, ये 10 माइनस यहाँ से और यहाँ से माइनस 5 प्लस 4, वन मैंने माइनस कर दिया। फिर प्लस 20, तो ये 20 लेफ्ट हैंड पर ऐड कर दिए, सर आंसर इज 84। तो उसके बाद फोर्थ एग्जांपल में हमें दिया है 58, ये लिए मैंने 58, फिर माइनस 12, माइनस 12 के लिए ये पहले तो 10 माइनस करने होंगे, तो ये माइनस 50 प्लस 40 और यहाँ से 2 माइनस कर दूंगा, तो ये हो गए 46। पर उसके बाद हमें प्लस 41 भी करना है, तो उसके लिए माइनस 10 प्लस 50 और फिर यहाँ पर इजीली 1 मैं ऐड कर दूंगा, तो ये हो गए 87। तो फिफ्थ एग्जांपल में हमें दिया है 27, ये लिया मैंने 27 प्लस 31, प्लस 31 मतलब माइनस 20 प्लस 50 और यहाँ पर 1, फिर माइनस 10, माइनस 10 के लिए माइनस 50 प्लस 40, सो 48 इज द आंसर, 48। फिर है 46, ये लिया मैंने 46 प्लस 10, प्लस 10 के लिए माइनस 40 प्लस 50, फिर माइनस 10, माइनस 10 के लिए माइनस 50 प्लस 40, सो आर आंसर है 46। 35, ये देखो 35 लिए मैंने, फिर माइनस 21, ये 20 माइनस और यहाँ से माइनस 5 प्लस 4, फिर प्लस 20, ये 20, सो 34 इज द आंसर। फिर हमें दिया 68, ये लिए मैंने 68, फिर है माइनस 11, तो यहाँ से 10 गए और यहाँ से 1 गया, फिर हमें दिया है माइनस 12, माइनस 12 के लिए माइनस 50 प्लस 40 और यहाँ से ये 2 माइनस, तो आर आंसर है 45, 45। फिर लास्ट एग्जांपल है, उसमें हमें दिया 28 प्लस 30, प्लस 30 मतलब माइनस 20 प्लस 50, फिर हमें दिया है माइनस 13, अब माइनस 13 के लिए तो माइनस 50 प्लस 40 और यहाँ से 3 माइनस, सो आंसर इज 45। तो इसी के साथ ये रो भी हो गई है कंप्लीट और हमारा आज का वीडियो भी यही एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो, अगर पसंद आए हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में हम देखेंगे यही सेम फॉर्मूला ऑन द एबाकस मेथड, तो उसके लिए आप बने रहो मेरे साथ। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।